इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विमल कुमार, श्रीमती चंदा देवी, श्री सनत, श्रीमती ममता, श्री सुनील, श्रीमती नवीता, निसर्ग, आयुष, इशिका एवं समस्त अजमेरा परिवार। नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए, चाहे गीता का सार कहें या रामायण की कहानी या वो महाभारत का युद्ध। इट्स ऑल अबाउट योर कर्मा। जो कर्म आप कर रहे हो सब कुछ इस पर ही डिपेंडेड है। हम दुनिया की नॉवेल्स पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, जैनों की बात करें तत्वार सूत्र पढ़ते हैं, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि कर्म के आगे किसी की नहीं चलती। लोग एक दूसरे का अच्छा बुरा करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि कर्मों के आगे किसी की नहीं चलती। किसी का बुरा करने के पहले सोचते नहीं हैं और बुरा करने के बाद रोते हैं। इट्स ऑल अबाउट कर्मा। आज की नीति कह रही है कि हमें दुनिया के और लोगों को छोड़ करके, उनको भूल करके अपने कर्मों के बारे में देखना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। ध्यान रखना कि जो आपने लिखा है वही पढ़ने मिलेगा, जो आपने लिखा है वही पढ़ने मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप गंभीरता से गहरे से देखना। स्कूल की एक बुक लेकर के आए आप 9th क्लास की साइंस की, तो साइंस की बुक में साइंस का ही मैटर मिलेगा, उसमें आपको सोशल साइंस का नहीं मिलेगा। उस साइंस की बुक में आपको इंग्लिश की ग्रामर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो बुक साइंस की है। जो आपने वीडियोस डाउनलोड किए हैं वही वीडियोस आपको देखने मिलेंगे जब नेटवर्क नहीं होगा। यही अपनी जिंदगी की कहानी है। हम दूसरों के कर्मों के बारे में देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, अपने कर्मों के बारे में क्यों नहीं देखते, अपने कर्मों के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? जबकि दूसरों के कर्मों से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपके ही कर्म लौट के आपके पास आएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे गीता का सार हो या फिर रामायण का आगाज, सब में कर्म का खेल है। कोई कितने ही मना करे कि भगवान सब कुछ करते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, भगवान ने ही सृष्टि बनाई है, वो भी धीरे से कहते हैं कि होए वही जो राम रज राखा, कि वही होगा जो राम करेंगे। धीरे से कहना पड़ता है जो जस कर रही सो तस फल चाखा। राम अगर करते होते कुछ तो अपने लिए भी अच्छा कर लेते। होगा वही जो तुमने कर्मों में लिखा है, जो जस करही सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। कभी भी आम के फल से, आम के बीज से कभी आंवले का पेड़ नहीं उगता, आम के बीज से कभी आंवले का फल नहीं उगता। क्यों नहीं उगता? आम के फल का बीज अलग है। तो जैसा बीज होगा वैसा वृक्ष होगा, जैसे तुम्हारे कर्म होंगे कल तुम्हारा वैसा होगा। अगर हो सकता है कि इस भाव में ढके रहे, किसी को मालूम ना चले, लेकिन तुमको तो पता है। एक बार आप लोग आंख बंद करके शोले फिल्म देख लो और एक बार आंख बंद करके अपनी जिंदगी की फिल्म देख लो, तो जो आपकी जिंदगी की फिल्म है वो आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। उसमें पता है कि आपने किस मोड़ पर क्या किया है? नहीं पता। बस एक बार आंख बंद करके आज के दिन अपनी लाइफ की कहानी देखना,
तुम किन किन मोड़ों पर गिरे हो, किन किन मोड़ों पर उठे हो, किन किन मोड़ों पर तुमने गति ली है और कहाँ कहाँ तुम डूबे हो, किसी को पता नहीं है, तुमको पता है। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किताब की तरह खोल को किसी किताब की तरह खोल कर किसी को बता पाओ तो वही तुम्हारी जिंदगी अच्छी है। मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि आपका सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है। उस बच्चे को क्या बोलूं, मैंने एक ही बात बोली, जिस दिन मुझसे कोई गलती नहीं होती वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होता है। क्योंकि अपने कर्म अपने को पता है ना, वी नोज अबाउट अवर सेल्फ, इसलिए थिंक अबाउट योर कर्मास, अपने कर्मों का चिंतन करें कि हम कौन से कर्म कर रहे हैं और क्या चीज़ हमारे पास लौट कर आएगी। लेकिन होता क्या है, जब वो गर्मी होती है ना तो दिखता नहीं है, जब पुण्य कर का तीव्र उदय चलता है ना तो गर्मी होती तब कुछ दिखता नहीं है। जैसे ठंडे पानी में चेहरा देखना दिख जाएगा, लहरें भी आएंगी तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा लेकिन दिख जाएगा, लेकिन जब पानी गर्म हो उबला हुआ हो तब चेहरा नहीं दिखता। ऐसे ही जब अंदर गर्मी होती है तब व्यक्ति भूल जाता है कि कर्म भी कोई चीज़ होती है। लेकिन तीर्थंकर क्यों ना हो, बनने वाले भगवान क्यों ना हो, कर्म तो किसी को नहीं छोड़ता, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। इसलिए आज की नीति कह रही है कि हर अच्छा बुरा इंसान अपने बारे में अच्छे से जानता है। अच्छा इंसान हो तो बुरा इंसान हो तो अपने बारे में अच्छे से जानता है। आपने कसाई को नहीं देखा क्या, वो जो मुर्गियों के टुकड़े कर रहा है, वो जो कसाई है मुर्गियों के टुकड़े कर रहा है, मछली के टुकड़े कर रहा है, उसको नहीं पता क्या कि ये जीव है। पता है, उसको पता है कि ये जीव है, जानता है ना वो, फिर भी वो कर रहा है। हर बुरा इंसान हर अच्छा इंसान अपने कर्मों के बारे में जानता है। आप लोग जानते कि नहीं, नहीं जानते, जानते हो, जानते हो तो वो गलती दोबारा हो कैसे जाती है, इसका मतलब मानते नहीं हो। हर अच्छा बुरा इंसान अपने कर्मों के बारे में सब कुछ जानता है, कहने में कतराता है। बस इतनी सी बात है कि हर अच्छा बुरा इंसान अपने कर्मों के बारे में सब कुछ जानता है, बस अपने कर्मों को कहने में उन्हें स्वीकारने में कतराता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इम्फाल नागालैंड गुवाहाटी तरफ की, वहाँ जब स्टार्टिंग में बिजनेस चालू हुआ, क्योंकि वहाँ बिजनेस हब नहीं था, लोग व्यापारी ज़्यादा जानते नहीं थे क्या है, वहाँ एक मीटर कपड़ा 4 मीटर के बिकता था। 1 मीटर कपड़ा हुआ उसके चारों तरफ से गिनते थे कि ये 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, बेचते थे 1 मीटर, लेते थे पैसा। वहाँ के लोगों को पता ही नहीं कि कपड़ा 1 मीटर ऐसे ही होता है, और अपने यहाँ पता है कि 1 मीटर मतलब 1 मीटर। तो जिसने 1 मीटर के 4 मीटर के पैसे लिए हैं तो उसने धोखाधड़ी करके लिया, निकलेगा तो 1 मीटर का वो महंगा बेचता चलता, लेकिन उसने 1 मीटर को 4 मीटर करके बेचा है तो निकलेगा, तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। और कहते हैं कि जिसने अगर किसी को ज़्यादा दुख देकर के लिया है, किसी ने अगर किसी को दुख देकर के उससे चीज़ें हड़प ली हैं, सबको यही मिलेगा देखने। बस इतना सा हो जाता है कि जानते सब हैं अपने अपने कर्मों के बारे में, उनको कहने में, किसी को बताने में, स्वीकारने में कतराते हैं। और जैन दर्शन कहता है कि गुरु से बोल दो, प्रायश्चित लेके फ्री हो जाओ। और यही विधि जो जैन आगम की है, इसको थोड़ा सा काट छांट करके ईसाई धर्म में इसको कन्फेशन कहते हैं, कि फादर के पास जाकर के कन्फेशन कर लो। कन्फेशन कर लिया मतलब सब ठीक है, ऐसा नहीं है। कन्फेशन के बाद उसका प्रायश्चित लेना चाहिए कि हमसे गलती हुई है, छोटी हो तो छोटी और बड़ी हो तो बड़ी। आप सभी कार चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कभी गाड़ी पंचर हुई आप लोगों की?
जिंदगी की गाड़ी नहीं बोल रहा हूं, जो दो चक्के की चार चक्के की साइकिल है, गाड़ी है, पंचर हुई, जब वो गाड़ी पंचर होती है तो केवल हवा भरने से काम नहीं होता, पहले पंचर निकाला जाता है, पंचर निकालने के बाद पंचर को फिलअप करते हैं, फिर हवा भरते हैं। ये कर्म भी एक पंचर है, अगर आपने कर्म के कीले रखे हैं तो जिंदगी की गाड़ी पंचर तो जरूर होगी। तो क्यों ना अपन बच के रहें, कर्मों से बच के रहें, और कर्मों से बचने के लिए आपको अपनी करतूती से बचना पड़ेगा। जो भी आपकी लाइफ में गुड बैड हो रहा है, लक अनलक आ रहा है, ये सब कर्मों का खेल है, ये सब पुण्य पाप का खेल है। एक अच्छा बड़ा परिवार है, बहुत पैसा है, लेकिन वहाँ सुकून से कोई नहीं रहता, सब एक दूसरे से जलते हैं, कोर्ट केस करके रखे, सब कर्मों का खेला है। अगर आपने किसी व्यक्ति से पैसा लिया है और उसको वापस नहीं दिया है, कर्म कहता है कि सब लौट के आएगा, तुमको गाय बन के चुकाना पड़ेगा। दूध दोगे तुम, तुम्हारे बच्चे को पीने नहीं मिलेगा, वो सेठ पिएगा जिससे तुमने उधार लिया था। तुमने किसी से पैसा लिया, उसको पैसा नहीं दिया है, तो तुमको वृक्ष बनना पड़ेगा उसके आंगन में, उसके फार्म हाउस में, वो तुम्हारा फल तोड़ के खाएगा। कर्म कहीं नहीं जाएगा, लौटाना पड़ेगा, कर्म रिटर्न्स। तो क्यों ना अपन अच्छी चीज़ें करें ताकि रिटर्न में अच्छा मिले। आज का परिपेक्ष ये है कि हर कोई शॉर्ट टर्म में पैसे कमाना चाहता है, जल्दी जल्दी पैसे कमा लें, चाहे म्यूचुअल फंड हो, शेयर्स हो, बिजनेस हो, लेकिन देखो आप भी उसी कंपनी में पैसा लगाते हो जहाँ पर ज़्यादा रिटर्न मिले। अगर आप चाहते हो ज़्यादा रिटर्न मिले तो कंपनी अच्छी होना चाहिए, आप चाहते हो कि ज़िंदगी अच्छी रहे, कर्म अच्छे होना चाहिए। लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आएगी जिनका आने वाला कल खराब है। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि महाराज जी पढ़ता हूँ याद नहीं होता, सुनता हूँ समझ में नहीं आता, स्कूल हो चाहे धर्म का हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में पाठशाला के लिए स्कूल गए थे, बचपन में ये लोग पाठशाला के लिए मंदिर गए और वहाँ खेलते रहे, प्रवचन चल रहा था डिस्टर्बेंस करते रहे, कोई पूजन कर रहा था तो हल्ला करते रहे। चीज़ें लौट के आएंगी, चीज़ें जाएंगी कहीं नहीं, लौट के आएंगी। एक कार्टून आता था बचपन में, आप लोगों को याद है क्या, वो ऐसा एक डंडा फेंकता था, लौट के उसके पास आता था, मोगली, देखा था? अगर मोगली का सीरियल भी अच्छे से देखा है तो समझ में आ जाएगा। उसके पास एक बूमरैंग था, डंडी थी, लकड़ी थी, वो यूं फेंकता था, वो लौट के आती थी। अपन लोगों ने कई बार वैसी लकड़ी बनवाई, खूब फेंकी, लेकिन लौट के आज तक नहीं आई। लेकिन उस कार्टून से एक शिक्षा लेना, वो फेंकी हुई लकड़ी भले ही कितनी दूर जाए, लौट के उसी के पास आती थी। ऐसे किया हुआ कर्म कितनी दिन बाद हो, लौट के तो आएगा, अच्छा होगा तो और बुरा होगा तो। मेरा तो ये मानना है कि सबको अपने अपने कर्मों का पता है, यूं ही गंगा घाट पर इतनी भीड़ नहीं होती। लोग जाते हैं गंगा घाट और अपना अपना बोले कुछ नहीं, मैं तो यूं ही आया हूं बस थोड़ा सा, अब लोग पानी चढ़ाते हैं अपन भी चढ़ा लें, सबको पता है कि मैंने क्या क्या बुरे काम किए, तो गंगा घाट में जाके जल चढ़ाते हैं, दीपक चढ़ाते हैं। लेकिन गंगा भी बड़ी समझदार है, जब लोग गंगा घाट जाते तो मैं गंगा से पूछता हूँ कि तुम ये बताओ कि ये लोग तुम्हारे पास आए हैं अपना कर्म छोड़ गए? वो कहते कोई किसी का कर्म नहीं छोड़ता, कृष्ण ने कहा है। गीता का प्रसंग सुनाता हूँ फिर गंगा पर आता हूँ। पांडव युद्ध जीतने के बाद बोलते हैं कृष्ण से कि बहुत हिंसा हो चुकी है, अब अपन गंगा घाट चलते हैं, सारे पापों को धोके आते हैं। कृष्ण कहता है मैं तो बिजी हूँ, ये मेरी तरफ से ककड़ी ले जा लेना मेरी, और मेरी ककड़ी ले जा करके मेरी जगह इसको स्नान करा देना, मतलब मैंने कर लिया। उन सब ने 3 बार 9 बार 27 बार स्नान किया, ककड़ी को 108 बार कराया, क्योंकि नारायण की है, मुरारी की ककड़ी है। जब लौटा के लाए तो कृष्ण ने कहा उस ककड़ी को बनाया, बोले सबसे पवित्र क्या है, ककड़ी, सबको खिलाई, और वो कड़वी थी, सबने थूक दिया, उल्टी कर दी। कृष्ण ने कहा सुनो,
गंगा में नहाने से कर्म कटते तो साधु तपस्या क्यों करते? इसका मतलब कर्मा रिटर्न्स, सबको अपने अपने कर्मों का पता है। यूं ही गंगा घाट पर इतनी भीड़ नहीं होती। मैंने गंगा से पूछ लिया कि ये लोग आते हैं सब तुम्हारे पास कर्म छोड़ के चले जाते हैं। गंगा कहती मैं भी समझदार हूँ, बादल बनती हूँ, जिन जिन के हिस्से का जितना है वापस छोड़ाती हूँ। प्रकृति का सिस्टम है, शेर हिरण को खा रहा है, जब शेर मरने की कगार पर होता है तो उसको शेर खाते हैं या फिर गीदड़ खाते हैं। तुमने किसी को खाया है तुमको भी कोई खाएगा। सबको अपने अपने कर्मों का पता होना चाहिए। गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, या आपके जीवन की महाभारत हो या आपके जीवन की रामायण हो, कर्म तो लौट के आएंगे। जरूरी नहीं है कि इसी भाव का इसी भाव में आए, और ये भी जरूरी नहीं है कि चला जाए, हजारों भावों का लाखों करोड़ों साल का भी लौट के आता है। आयुर्वेद कहता है कि खाई हुई चीज 6 महीने बाद भी इफेक्ट दे सकती है। कितने महीने बाद? खाई हुई चीज 6 महीने बाद भी इफेक्ट दे सकती है। बस ठीक ऐसे ही किया हुआ कर्म भी कभी भी इफेक्ट दे सकता है। तो अब करें क्या? कर तो चुके ही हैं, ये तो डायग्नोसिस हो चुका है कि अपन कर्म कर चुके हैं। अब करें क्या? सबसे पहली चीज है एक्सेप्टेंस। पहले एक्सेप्ट करें कि आपने गलती की है। सेकंड, चेंज योर सेल्फ। पहले एक्सेप्टेंस, दूसरा चेंजिंग, और तीसरी बात है चेंज होने के बाद कंसिस्टेंसी बना के रखें, अब वापस उस रास्ते पर ना जाएं। एक्सेप्टेंस, चेंजेस, कंसिस्टेंसी, ECC, ECC प्रोग्राम चलेंगे तो कर्म लौट करके नहीं आएगा। एक्सेप्टेंस करने से चीज़ें हल्की हो जाती हैं। अपने पिताजी के पॉकेट से 100 का नोट निकाल लिया रात को, पापा पूछ रहे कहाँ हैं, हमारे पास नहीं है, तो उन्होंने 3 मारे। धीरे से कहते हो हमने 50 रुपये लिए थे 50 भैया ने। पहले ही एक्सेप्टेंस कर लेते तो कम से कम 3 तो नहीं पड़ते। कहाँ हैं वो, तो हमने खर्च कर दिए, अगली बार नहीं करना, बात खत्म। एक्सेप्टेंस, चेंजेस एंड लास्ट स्टेप कंसिस्टेंसी। चीज़ों को स्वीकारें, फिर चेंज करें, फिर कंसिस्टेंसी बनाएं बदल करके, तो आपको कर्म लौट के नहीं आएंगे। गंगा घाट नहीं जाना पड़ेगा, लोग आपको गंगा घाट मान लेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि गंगा लोग जाते हैं, अपने कर्म धो करके आते हैं, फिर अगले दिन फिर गंदे हो जाते हैं। गंगा भी समझदार है, उसको पता है कि हम तुम्हारे कर्म हम काटेंगे, जो बोएगा सो पाएगा। तो गंगा भी यही करती है, क्या करती है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो तुम्हारा घर छोड़ के आते हैं। तो अपन कर्मों की इस नीति को अच्छे से समझें, कर्म कभी निष्फल नहीं जाते, किया हुआ कर्म लौट कर आता है, अच्छा हो या बुरा भी झेलना आपको ही पड़ेगा। तो क्यों ना अच्छी ओर आए, गंगा घाट की जगह अपन ही गंगा घाट बन जाएं। शेष आगे देखेंगे, भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास।